मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन, इट मीन्स संचालन और सरलीकरण। एडिशन, एडिशन मीन्स जमा। वी नो दैट द नंबर्स दैट आर एडेड, वी नो दैट द नंबर्स दैट आर एडेड, एडेड मीन्स जोड़ा हुआ, जिनको जोड़ते हैं। आर कॉल्ड एडेंड्स यानी योज्य, एंड द आंसर इज दियर सम। ये कह रहा है कि जिस नंबर को हम जोड़ते हैं, सपोज आपने लिखा 5 5 + 4, ओके, बोथ आर एडेंड्स, बोथ आर एडेंड्स, ओके, द सम 5, 4, 9, दिस इज सम, दिस इज कॉल्ड सम। ओके स्टूडेंट्स, आप जिन दो डिजिट को जोड़ते हैं उनको हम एडेंड्स कहते हैं यानी योज्य कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 475 + 225 = 700। तो जो 475 और 225 हैं वो क्या है? एडेंड्स हैं। एंड 700 जो आपका आंसर आया है वो आपका सम है। एडिशन फैक्ट्स यानी जो जोड़ने के तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, जो नंबर्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में प्लस किए जा सकते हैं। ऊपर का नीचे लिख दीजिए या नीचे का ऊपर लिख दीजिए। दियर सम विल रिमेन द सेम, लेकिन उनका आंसर इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 500 + 300 = 800, 500 + 300। अब यहां पर हमने 300 को पहले लिखा, 500 को बाद में। देखिए यहां पे पहले 500 है और यहां पे ये बाद में है। जब दोनों का हम प्लेस चेंज कर देंगे तो आंसर फिर भी वही आएगा, ठीक है। नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, दियर सम विल रिमेन द सेम। आप किसी भी दो डिजिट को ऊपर नीचे आगे पीछे करके जोड़ेंगे तो भी आंसर इक्वल ही आएगा। व्हेन वन इज एडेड टू ए नंबर, जब किसी नंबर में हम एक जोड़ते हैं, वी गेट इट्स सक्सेसर। एंड एग्जांपल 1 जब आप किसी भी नंबर में 1 को जोड़ेंगे तो वो क्या है, वो उस नंबर का वी गेट इट्स सक्सेसर, उसका सक्सेसर नंबर प्राप्त होगा हमें। फॉर एग्जांपल 78 + 1 तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 79। हेयर 79 इज द सक्सेसर ऑफ 78, जो 79 है वो 78 का सक्सेसर है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3, व्हेन 0 इज एडेड, व्हेन 0 इज एडेड टू ए नंबर, जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं, द सम इज द नंबर इटसेल्फ, तो सम जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो वही नंबर होगा जो बड़ा होगा। ओके, फॉर एग्जांपल 36 + 0 =
क्या हुआ 36, क्योंकि 36 बड़ा है। 27 प्लस 0, 27 बड़ा है तो आंसर 27। यानी हम किसी भी डिजिट में अगर 0 को प्लस करते हैं तो आंसर वही डिजिट आती है, और जब हम किसी डिजिट में 1 प्लस करते हैं तो हमें उस डिजिट का वो नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो उसका सक्सेसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 2.1। ऐड, क्वेश्चन नंबर वन क्या आपका ऐड, आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखेंगे और ऐड करेंगे। ओके, कैसे? 7 में कितना प्लस करना है आपको? 6। तो जब भी आप काउंट करेंगे अपने जो पाम है, पाम पे जो आपकी उंगलियां हैं, जो आपकी हथेली है उस पे उंगलियों में कट लगे हुए हैं, तो उन कटों को आप काउंट करके काउंट करेंगे। फर्स्ट नंबर 7, सेकेंड इज 6, तो हम यहाँ पे 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, फर्स्ट इज 7, 7 के आगे आपको काउंट करना है नेक्स्ट नंबर 8 9 10 11 12 13। हाउ मच यू हैव गॉट 13। 13 में जो आपका वंस प्लेस है, ये वंस है और ये टेंस है, वंस प्लेस ही आपको यहां पर रखना हमेशा। वंस इज 3 एंड टेन प्लेस इज 1। आप उस 1 को जो लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट डिजिट होगा उसको दे देंगे। ओके, अब यहां पर आपको 1 2 3 डिजिट काउंट करने हैं, 5 and 2 7 and 1 8। 8 सिंगल डिजिट है, ये डबल नहीं हुआ है, तो 8 को आप एज इट इज लिख देंगे 8। नेक्स्ट 9 and 8 9 9 के बाद आपको 8 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 9 9 से आगे डिजिट आपको अब काउंट करना है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाउ मच यू हैव गॉट? 17। 17 में वंस प्लेस क्या है? 7। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? 7, और 1 को ऊपर आगे कैरी कर देंगे। 4 and 7 4 and 7 11 and 1 12। हाउ मच यू हैव गॉट? 12। 12 में जो 1 है वो क्या है? 2 वंस प्लेस पे, तो यहां पे आप 2 लिखेंगे और 1 को आगे कैरी कर देंगे। 7 3 10 and 1 11। 11 का 1 और 1 यहां कैरी करेंगे आप, 2 and 1 3। ओके, अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 में 1 प्लस कीजिए, 2 and 1 3। 5 5 10, 10 का 0 और 1 को यहां कैरी करेंगे आप। 6 4 10 and 1 11, 1 and 1 को यहां कैरी करेंगे आप। 7 5 12 and 1 13, 13 का 3 and 1 here. 8 and 6 8 and 6, 14 and 1 15। ओके, 1 यहां कैरी करेंगे, 2 2 4 और 1 5। अंडरस्टैंड? सी क्वेश्चन नंबर एफ 2 2 and 7, 2 2 4 and 7 11। क्या आएगा? 11। 11 का जो वन प्लेस है वो आपका 1 है, तो 1 यहां पे कैरी करेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड का टेंस प्लेस है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। ओके, 8 8 16 and 3 17 18 19 and 1 20। 20 का 0 आप यहां पे 2 रखेंगे, 6 and 4 10 and 2 12। 12 का 2 और 1 यहां कैरी करेंगे आप। ओके,
सिक्स एंड फाइव इलेवन एंड वन ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू यहाँ रखेंगे आप और वन को आगे कैरी कर देंगे, सेवन थ्री टेन एंड फाइव फिफ्टीन एंड वन सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स और वन यहाँ कैरी करेंगे आप, एट एंड थ्री इलेवन एंड फोर फिफ्टीन एंड वन सिक्सटीन। अब यहाँ पे आप पूरा नंबर लिख देंगे सिक्सटीन, ओके अंडरस्टैंड। सभी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर टू, राइट इन कॉलम्स एंड देन ऐड। अब इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करेंगे कैसे, जैसे फर्स्ट, फर्स्ट क्या है ए, ओके फोर नाइन थ्री थ्री एट एंड फाइव टू वन एट फोर। आप इनको कॉलम में अरेंज करेंगे कैसे, सॉल्यूशन पहला डिजिट लिखेंगे आप पूरा, फोर नाइन थ्री थ्री एंड एट, ओके। अब जब आप नेक्स्ट डिजिट को लिखेंगे उसके सामने तो वन से स्टार्ट करना है, ओके स्टूडेंट्स, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, इसको आपको इसमें प्लस करना है तो इसके ऊपर आप प्लस का साइन मेंशन करेंगे। नाउ ड्रॉ द लाइन एंड प्लस नाउ, जैसे अभी आपने क्वेश्चन वन प्लस किया था सेम एज इट इज इनको भी प्लस करना है, फोर एट ट्वेल्व टू कैरी वन एट थ्री इलेवन एंड वन ट्वेल्व कैरी वन थ्री फोर एंड वन फाइव नाइन एंड टू इलेवन कैरी वन करेंगे फाइव फोर नाइन एंड वन टेन। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, सिक्स थ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन ही लिखेंगे एज इट इज, ओके। नाउ सॉल्यूशन, राइट इन कॉलम, जो आपकी कॉपी के बॉक्स है उस वन बॉक्स में वन ही डिजिट आपको लिखना है, ओके सिक्स थ्री टू सिक्स टू एंड सिक्स। राइट नेक्स्ट नंबर, स्टार्ट फ्रॉम वंस, थ्री फोर थ्री सेवन, ओके एंड नाउ पुट हियर प्लस साइन, नाउ प्लस सिक्स थ्री नाइन फोर एंड टू सिक्स थ्री एंड सिक्स नाइन सेवन टू नाइन थ्री एज इट इज उतारेंगे एंड सिक्स भी एज इट इज उतारेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ, एफ राइट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स एंड नाउ सॉल्यूशन, राइट फर्स्ट डिजिट, टू फोर थ्री सिक्स एंड फोर, ओके सेकेंड स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस, थ्री जीरो फोर टू थ्री एंड फोर, ओके थर्ड फोर सिक्स थ्री एट फोर एंड एट, ओके स्टूडेंट्स। फर्स्ट लाइन में
पहले आप इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, तो दोनों लाइंस पर आपको साइन प्लस का पुट करना है। एंड नाउ प्लस 4 4 8 एंड 3 11 11 का 1 और 1 यहां कैरी करेंगे आप। ओके 6 6 12 एंड 1 13 13 का 3 और 1 हेयर 6 3 3 6 and 4 10 and 1 11 carry 1 8 2 10 4 14 and 1 15 carry 1 4 3 7 8 9 and 1 10 10 ka 0 carry 1 4 8 12 and 1 13 so right here 13 okay अंडरस्टैंड। अब रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे, वो भी कॉपी में। ओके एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन टू फिल द ब्लैंक्स। एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती हैं आप उनका यूज करके इन ब्लैंक्स को भरेंगे। देखिए सबसे पहले इक्वल, इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। यहां पर आपके टू साइड हैं, ये है आपका राइट हैंड साइड और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी पूरी फिल है लेकिन राइट हैंड साइड में एक आपकी ब्लैंक्स है। तो इक्वल पहले आप चेक करेंगे, यहां पर देखिए जो फर्स्ट डिजिट है 5326 वो आपको यहां पे भी दी हुई है, प्लस का साइन भी दिया हुआ है। एक डिजिट जो नहीं है हमारे पास क्या नहीं है, 36458। तो आप यहां पे 36458 फिल करेंगे। इक्वल मींस बराबर। अब देखिए दोनों क्वेश्चन इक्वल हो गए हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, इक्वल राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। देखो जो राइट हैंड साइड में पूरी फिल है, लेफ्ट हैंड साइड में एक मिसिंग नंबर है, तो कौन सा मिसिंग है वो आपको यहां पे शो करना है, यानी दिस वन। ओके नेक्स्ट इक्वल, देखिए यहां पे एक ही पोर्शन है, कोई ब्लैंक्स नहीं है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो क्या है 26,436 और राइट हैंड साइड में भी 26,426, बोथ आर इक्वल। राइट हैंड साइड में आपको ब्लैंक्स की कोई जगह नहीं है, खाली नहीं है, तो यहां पर हम एक ऐसा डिजिट लिखेंगे जो आंसर यही रहे। तो अपने आप में नंबर कब आता है, जब हम उसमें जीरो प्लस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट ई, देखिए बोथ आर सेम बट वंस प्लेस इज चेंज 68 एंड 69। ई को देखेंगे 1,49,568, राइट हैंड साइड में 1,49,569, क्या डिफरेंस है, सिर्फ 8 और 9 का डिफरेंस है, यानी 1 प्लस हुआ तब यहां पे 9 आएगा, तो जो ये 69 है ये 68 का सक्सेसर है, तो सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स अब आप इसको अपने आप करेंगे। ओके